सब्जी नहीं बिक रहा है, कम से कम फ्लैग को बांट रहे हैं भैया। इधर देखो और फ्लैग दे रहे हैं बच्चों को, कुछ बोलो ना यार। जय जय ले भिंडी मुराई मुनगा ले, कम से कम बिक तो रहा है। ये देखो भिंडी तोल रहे हैं। करेला भिंडी मुराई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 5:30 और आज मैं जा रहा हूँ भाई गांव घूम घूम कर सब्जी बेचने के लिए। कल का मचा हुआ है सब्जी, उसी को लेकर अभी मैं चंदू भैया के गांव पहुँच चुका हूँ। और सुबह से ही लगभग 4:30 बजे से आज उठ गया था यार। और अभी सुनील भैया का वेट कर रहा हूँ, उसी के साथ जाऊँगा, वही बताएगा कहाँ कहाँ पर गाँव मोहल्ला है, उसी के साथ आज बेचेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से गांव में घूम घूम कर बेचते हैं। अभी गाइस सुनील भैया के घर के पास आ चुका हूँ। ये देखो हमारा मूली मचा हुआ है, करेला मचा हुआ है, मुनगा, उसके अंदर भिंडी भी है। ये रहे भैया, सुबह से अब तैयारी कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, गाड़ी में लोड करेंगे, उसके बाद निकलेंगे बेचने के लिए। देखते हैं किस प्रकार से सब्जियाँ बेचते हैं गाँव में घूम घूम कर। और ये रहा भैया का घर, देखो शानदार घर बनाए हैं भाई, टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है बकायदा। चलो अब गाड़ी को पैक करते हैं, सब्जी को भी पैक कर लिए हैं। ये देखो मुनगा और क्या बोलते हैं मूली मेरे में है, और इधर करेला भिंडी, और ये वाला मूली सुनील भैया का है। दोनों गाड़ी में जाएंगे, आज सुबह सुबह से गांव घूमेंगे भाई। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी गाइस सुनील भैया के घर से निकल चुके हैं और अभी नांगोई तरफ जा रहे हैं यार। ये देखो बगल में सुनील भैया हैं इस प्रकार से, और इधर मेरा गाड़ी जा रहा है। चलो देखते हैं पब्लिक आते हैं कि नहीं। अभी थोड़ा दूर आने के बाद दो जुरुई मुनगा बिका है, वो चाचा लेके जा रहे हैं, बाकी कुछ सब्जी नहीं बिक रहा है अभी। और थोड़ा सा भिंडी बिका है 1.5 किलो लगभग। ये देखो करेला भी बिक रहा है अभी, सुनील भैया तोल रहे हैं। ये देखो 1 किलो। एक किलो करेला भी बिक चुका है और बाकी अभी बहुत सारा सब्जी बचा हुआ है, अभी और मोहल्ले तरफ ले गएंगे भाई। सुनील भैया ही ले जा सकते हैं, है ना भैया? बेचना पड़ेगा। ले भिंडी मुराई करेला ले, ले भिंडी मुराई मुनगा ले। बहुत दूर आ चुके हैं लेकिन उतना ज़्यादा कस्टमर ही नहीं मिल रहे हैं, सब लोग खेत चले गए हैं ऐसा लग रहा है। ये देखो इधर मूली दे रहे हैं सुनील भैया, और फ्लैग भी बांट रहे हैं भाई, आज 15 अगस्त है, उसी के खुशी में बहुत सारा फ्लैग रखे हैं। देखो बच्चों को बांट रहे हैं फ्लैग को, सब्जी नहीं बिक रहा है कम से कम फ्लैग को बांट रहे हैं भैया। आज सब लोग खेत चले गए हैं लग रहा है यार, कोई काम कर नहीं भैया। अभी सब्जी पूरा रखा ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा बस बिका है, 1-2 किलो, उतने में तो अपना पेट्रोल खर्चा नहीं निकलेगा यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं बचेगा उसको शाम को मार्केट में बेचेंगे। इधर देखो और फ्लैग दे रहे हैं बच्चों को, कुछ बोला ना यार, कुछ बोलो ना यार। जय जय सीख गए सीख। चलो अब यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। थोड़ा दूर आने के बाद एक और भैया सब्जी ले रहे हैं उधर। ये देखो आज लेकिन उतना कस्टमर ही नहीं मिल रहा है यार, घूम बस रहे हैं इधर उधर, पेट्रोल खर्चा नहीं निकलेगा ऐसे में तो। इधर देखो बच्चों को, सब लोग स्कूल जा रहे हैं, आज 15 अगस्त है। चुप चुप
ये देखो भैया 200 का नोट दे रहे हैं भाई, 20 रुपए का लिए हैं। चलो पैसा वापस कर देते हैं इनको। ये देखो बच्चों को और फ्लैग मार रहे हैं अभी, हमारा नेशनल फ्लैग 15 अगस्त के उपलक्ष में। और बचा है एक ठो बचा है, 10 रुपये दीदी, 10 रुपये है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक पौवल ज़्यादा है, वो वजन वजन है मुनका, बड़े बड़े 20 रुपये वाला है। कल पानी गिर दी तो नहीं बिकी छ, टमाटर नहीं, करेला मिल जी, करेला भिंडी मुरई एक जोड़ी मुनगा और बिका है यहाँ पे। ले भिंडी मुरई करेला, ले ले भिंडी मुरई करेला, ले कोई नहीं आ रहा है यार कस्टमर, देखो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं गली गली में। चलो गाइस थोड़ा दूर आने के बाद और मुनगा बिका है, ये देखो दीदी ली है और उधर चाचा लिए हैं, वो भी ले लाने जा रहे हैं भाई पैसा। और उधर एक दीदी ली है, सामने में गई है, देखो वीडियो बना के, मत बना, नहीं पर खुद वीडियो बना के रील देख देख के हम सीखे हैं। ये देखो करेला भी दे रहे हैं, आधा किलो करेला, 20 का 3 जूरी बेच रहे भाई मुनगा को, देखो खरीदी रेट से भी कम बढ़ रहा है, आधा एक किलो, एक पाव से ऊपर है एक मुनगा, एक किलो लेकिन ले क्या कर सकते हैं, अब लॉस में दे रहे हैं। चलो सामान को दे देते हैं यहाँ भी, उसके बाद ये लास्ट मोहल्ला है क्या भैया? लास्ट मोहल्ला है, आगे तक 4 घर है ना, वहाँ लेंगे, टेंशन मतलब 4 घर और है, उसके बाद वापस निकलेंगे। करेला 40 से, बड़ा समस्या है, खरीदी रेट में उसको भी बेच रहे हैं भाई। एक पाव करेला बाजार में, ये दादा। चलो भाई सभी कस्टमर भी उधारी करके जा रहे हैं। पूरा सब्जी बचा हुआ है यार, और आप लोग कमेंट भी करते हो गांव में घूम घूम कर बेचना करके, देख सकते हो ये हाल है, दिखाता हूँ कितना सारा सब्जी बिक पाता है, खरीदी से भी कम रेट में बेच रहे हैं फिर भी नहीं बिक रहा है। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा दूर और आ चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सब्जी बिक रहा है, भिंडी करेला चाचा लोग ले रहे हैं। ये देखो भाई पैसा मिल गया 1 किलो करेला का। अभी गाइस सब्जी बेच रहे थे और थोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम करने लग गया है यार, स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो वो देखो सुनील भाई आगे में चले गए हैं, वो देखो सुनील भाई आ रहे हैं, उसके बाद इसको धक्का मार के स्टार्ट करेंगे, और किक मारता तो भी यार ये सीधा ही नहीं हो रहा है किक इसका, बड़ा प्रॉब्लम है यार। एक तो सब्जी ले दे के बिक रहा है वो एकदम कम कम रेट में, लॉस में दे रहे हैं फिर भी नहीं बिक रहा है, और ऊपर से ये परेशान कर रहा है यार बाइक, आज कहीं अकेले आ रहता तब तो मेरा हो जा रहता, आज कबाड़ा बैंड बज जाता, सुनील भैया साथ में है तब तो सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं आज क्या चल रहा है यार, पूरा दिमाग ख़राब हो गया, सुबह से स्ट्रेस में, कल बिका नहीं था उसका अलग टेंशन, आज पूरा टेंशन में ही चल रहा है। चलो कुछ भी करके इसको स्टार्ट करते हैं, ले दे के बाइक स्टार्ट हुआ गाइस, धक्का दिए सुनील भैया तो स्टार्ट हुआ यार, लग रहा है बैटरी डाउन हो गया बाइक का। ये देखो आज बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एकदम कम कम रेट में बेच रहे हैं, 300-400 रुपये लॉस होगा लग रहा है, प्लस ये बाइक भी ख़राब हो रहा है यार, पता नहीं है क्या होगा, आज मार्केट भी जाने को नहीं मिलेगा लग रहा है, बहुत समय हो रहा है इसी साइड। उधर देखो भैया गए हैं सब्जी देने के लिए, ले भिंडी मुराई करेला, ले ले भिंडी मुराई करेला, ले वहाँ से निकल के थोड़ा आगे आ चुके हैं,
और इस साइड देखो एक आध घर दिख रहा है। थोड़ा आगे में आने के बाद थोड़ा सा दो चार घर और दिख रहा है, वहाँ पे सब्जी दे रहे हैं। ये देखो आज पूरा लॉस में है। अरे क्या करे भैया, बेचना पड़ेगा यार, कल का बच गया था। लॉस तो करना पड़ेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलते रहता है इसमें। अभी ये देखो सामने में भी इधर घर है। अरे कोई भी सब्जी बेचे थोड़ा सोच समझ के बेचे भैया। तो बताओ यार, कमेंट करते हैं मुझे, सुनील भैया जैसे ले जाओ, संदू भैया जैसे है भाई, इनको लगभग दस साल से ऊपर हो गए, ऊपर हो गए मेरे को सब्जी बेचते। देखो भैया आप चार दिन में मुझे बोलते हो कि 4,000 का सब्जी ले जाओ, 5,000 का, भैया 2,000 का सब्जी बिक नहीं रहा है उतने में। बात है भाई, थोड़ा है ना भैया, देखो भैया समझ लो पहले मार्केट, उसके बाद फिर माल भरो, तो क्योंकि इसमें लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अभी तक मैं भी सब्जी बेचना स्टार्ट किया हूँ लेकिन फ़ायदे में नहीं हूँ, अभी तक लॉस में चल रहा हूँ, आज फिर लॉस होगा। देखो इतना आसान नहीं है यार किसी भी काम को करना, शुरुआत में इतना ज़्यादा सब्जी ले जाओ उतना ज़्यादा सब्जी ले जाओ बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ बेचते हैं उनको पता है, इनको एक्सपीरियंस है, प्लस ग्राहक बन चुका है, और हम लोग नए हैं। अभी सुनील भैया आए नहीं रहते तो बिकता भी नहीं सब्जी मेरा, जो भी लॉस में दे रहे हैं लेकिन कम से कम बिक तो रहा है। ये देखो भिंडी तोल रहे हैं, चलो उसके बाद यहाँ से भी निकलेंगे। अभी गाइस वापस से घर साइड जा रहे थे और यहाँ पे भिंडी अपना ख़त्म हुआ, 10 रुपये किलो में दे दिए, लास्ट बचा था 3 किलो, उसको ये चाचा लोग लिए हैं। अब मूली बचा है और ये करेला बचा हुआ है। पूरा आज लॉस मेकिंग कंपनी बन गए हैं, लॉस पे लॉस हो रहा है। चलो अब यहाँ से भी निकलते हैं आगे में, और बिक जाए ठीक रहेगा, नहीं बिकेगा फिर सब्जी खाएंगे। अभी गाइस सुनील भैया घर के पास पहुंच चुके हैं और ये देखो गाड़ी को भी अपने पैक कर ली है। आज ले देख सब्जी खत्म हुए यार, एकदम कम रेट में बेचे हैं भैया। हाँ यार क्या करें, 37 का खरीदी था उसको 30 रुपये में बेच दिए थे, 30 रुपये किलो बेच दिए। 37 का करेला था उसको 15 मूली 10 बेच दिए, 15 भिंडी 10-15 में बेच दिए, उनका 10 रुपये कल 20-15 रुपये जुड़ी वाला आज 20-3 बेच दिए, कम से कम ख़त्म तो हो। ठीक 400-500 घुस जाए कोई दिक्कत नहीं, बट नया माल लेंगे ऐसा करके। हाँ अब देखते हैं क्या है आज। चलो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं यार, देखेंगे आज तो मार्केट नहीं जाना है बोल रहे हैं ना भैया। हाँ नहीं जाना है, आज घूमने जाएंगे, आज घूमने जाएंगे, लॉस हो जाता है ना तो मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, इस नाम से घूम के आएंगे ना, आज थोड़ा दिन बढ़िया है। ठीक है ना, चलो ठीक है गाइस यहाँ से निकलते हैं। अभी गाइस मैं घर आ चुका हूँ और सब्जी बिक गया लेकिन बहुत कम कम में बेचे हैं, और अभी गिनती किया तो भाई 500 लॉस में चले गए इस बार फिर। पता नहीं यार एकदम क्या हो जाता है सब्जी को, कल भी नहीं बिका था, कल 2-3 किलो बस बिका था, ज़्यादा नहीं बिका था, पूरा सब्जी मचा हुआ था, और अभी पूरा लॉस में दिए। 40 रुपये किलो में शुरू करेला बेच रहे थे, नहीं बिकत फिर 30 रुपये कर दिए, और नहीं बिकत 3 किलो को 70 रुपये में दे दिए, और मूली को 10 रुपये में बेच दिए, जैसा भी हो बेच के ख़त्म करके भिंडी को भी 20 के 1.5 किलो में बेच दिए। भिंडी भी बचा हुआ था बहुत सारा यार, 2-4 किलो बस बिका था मुश्किल से, उसके बाद पूरा भिंडी बचा हुआ था होलसेल में, यहाँ 15-16 रुपये किलो जा रहा है, 15 रुपये में आराम से बिक जा रहा था। चलो कोई नहीं, होता है यार बिजनेस में कभी फ़ायदा और कभी नुकसान होते रहता है। चलो ठीक है दोस्तों, जो भी होना था हो गया, 500 लॉस होना था हो गया, अब कल का कल देखेंगे। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा आज का ये ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने को मिलेगा इस अगले ब्लॉग में। जय जय भारत।